नमस्कार, कैसे बारे वो लोग आशा सब कुछ अच्छा ही नहीं मन स्वस्थ। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। और आज मैं लेकर उड़ीसी का एक फेमस स्ट्रीट फूड आलू दम वाले दही बड़े। उसके लिए मैंने उड़द दाल को भिगो के रखा 8 घंटे पहले से, और इसको मैं अब पीस लूँगी महीन, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और जैसे दही बड़ा का जो बताते हैं बैटर वैसे ही बनाना है। ये देखिए, ऐसा चिकना होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं, रनिंग नहीं होना चाहिए। अब इस बैटर को हम ट्रांसफ़र करके इसको थोड़ा सा फेट करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे। ये बॉयल्ड आलू है, इसको आलू दम बना रही हूँ मैं, और इसमें हल्दी नमक मिर्ची डाल के इसको तेल में हम फ्राई कर लेंगे, और थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काटे मैंने ताकि फ्राई अच्छे से हो सके, टूटे ना। बाद में तो इसको तोड़ना ही है, तो इसको अच्छे से कोटिंग करके इसको बहुत कम तेल में ही मैं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊँगी। तो देखिए, इतना सा तेल लिया, ऐसे ही मैं सब कुछ बनाऊँगी, इसको चारों तरफ फैला लूँगी ताकि आलू चिपके ना। उसके बाद इसमें आलू हम डाल करके इसको अच्छा क्रस्ट आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और सेम तेल में जितना भी बचेगा ना भी बचे, इसी में हम अपने मसाले बना रही हूँ मैं। बिल्कुल ये लाल मिर्च, कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं है, हल्दी है, नमक है, और थोड़ा सा मैं इसमें चिकन या मटन मसाला, आपके पास जो है सब्जी मसाला जो है वो डाल दीजिए आप टू टेस्ट। और फिर धनिया पाउडर डाला है मैंने, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। बस अब ये देखिए आलू में क्रस्ट आ गया, तो निकाल लूँगी। और सेम इसी तेल में मैं इसमें अदरक ढेर सारा डालूँगी, हरी मिर्च, और बिल्कुल थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा नहीं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तब तक ये मसाले हो रहे, तब तक इसे दही जो है ना बिल्कुल हमें पतला करना है, गाढ़ा नहीं करना दही बड़ा ऐसा। इसको जितना पतला रखेंगे ना उतना अच्छा है। ये पतला देखिए मैंने कर लिया है, और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, अभी नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद और भी मसाले डालेंगे। तब तक इधर हम अपना जो सब्ज़ी वाला मसाला उसको देख लेते, प्याज वो चुका था, तो इसमें जो मैंने वो घोल बनाया था ना हल्दी मिर्च नमक का, वो डाल दे रही हूँ। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, कुछ कच्चे मसाले तो है नहीं। तब तक इस बैटर में मैंने ये कड़ी पत्ता डाला है जो हमारे बड़ा वाला है, उसमें ढेर सारा अदरक डालूँगी, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालूँगी, और नमक डालूँगी, और इसके बाद इसके वड़े तल लूँगी। बहुत बड़े बड़े वड़े नहीं तलने, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे रसगुल्ला होता है ना उस टाइप का तलूँगी। तो इसको फेट दूँगी, तो कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने ताकि तेल गर्म हो जाए, और इधर सब्जी भी हो रहा है, और सब्जी हो चुका है लगभग, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम जो अपना फ्राई आलू है ना उसको डाल देंगे ताकि सब्जी में एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए आलू में, और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। और इसको तेज आंच पर 1 सेकंड मतलब अच्छे से कोटिंग देने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। इसमें ग्रेवी चाहिए हमें, और टमाटर नहीं बिल्कुल डालना है इसमें, टमाटर से ना फिर टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं मटन या चिकन मसाला के जगह। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट ढक के पकाएंगे, और हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी बिल्कुल। और ये जो आलू के बड़े बड़े टुकड़े ना, इसको हम तोड़ लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ तोड़ लेंगे थोड़ा सा। इसको बड़े इसलिए रखा था मैंने ना ताकि फ्राई करने में आसानी हो। ये देखिए, इसको तोड़ लिया मैंने, और सब्ज़ी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे गार्निश के लिए, सब्ज़ी रेडी है। और जो दही हमने खोला था ना उसमें कुछ मसाले डालने थे, इसमें हींग डाल दिया मैंने, और ये धनिया जीरा का पाउडर जो होता है ना वो डाला। देन ये ऑप्शनल है, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा अच्छा लुक देता है इसलिए डाल रही हूँ। और इधर वड़े भी, कढ़ाई गर्म हो चुका था मेरा, तेल भी गर्म हो गया था, तो इसको मैं मीडियम हीट पे इसको वड़े को एकदम क्रिस्पी होने तक तल लूँगी, और एकदम गर्म गर्म इसको सर्व करेंगे। और इसको मैं पानी में नहीं डालूँगी, इसको डायरेक्ट जो दही का घोल बनाया है ना, दही ठंडी है मेरी, तो उसमें डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा ना, एक जो क्रिस्पीनेस है ना वो रहेगा, सॉगी नहीं होगा, और आलू का जो सब्ज़ी है ना वो भी गर्म है हमारी, तो ठंडे गर्म का जो मिक्सचर होता है ना बहुत अमेजिंग लगता है। एक बार प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये दूसरा लॉट में तल रही हूँ, और तब तक इसको तुरंत डाला है, 1 मिनट छोड़ा है ताकि थोड़ा सा दही अब्जॉर्ब कर ले हमारा वड़ा, और क्रिस्पी भी है ऊपर से। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, और ये देखिए सब्जी मेरी एकदम टेम्पटिंग लग रही है ना। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम दही और वड़े डालेंगे। ये दही की कंसिस्टेंसी देखिए, रनिंग है बिल्कुल। उसके बाद हम अब इसमें अपनी सब्जी डालेंगे भर के अच्छे से ग्रेवी के साथ। उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे जैसे, उसके बाद हाँ ये सबसे मेन है, ये इमली का चटनी है जो मीठा वाला होता है ना वही है, तो इसको डालेंगे। उसके बाद फिर धनिया जीरा का पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा प्याज ऑप्शनल है, और फिर धनिया पत्ती, जो भी आपको डालना है, जो आपको पसंद है, चाहे तो अनार डाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिंपल ढंग से खाते हैं।
और अगर आपको बिना आलू का खाना है ना, तब सिर्फ दही के हल्दी को डाल के देखिए, बहुत अच्छी लगती है गरम गरम बड़े दही के साथ। और ये मेरा जो उड़ीसा का दम स्पेशल डिश है ना, आलू दम वाले दही बड़े रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।